नमस्कार, मैं हूं देवांशी मिश्रा। केजीएफ 2 के अलावा अगर किसी फिल्म का दर्शक सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं तो वो है ट्रिपल आर। एसएस राजामौली के डायरेक्शन बनी इस फिल्म का टीजर दर्शकों के बीच रिलीज कर दिया गया। 40 सेकंड के इस टीजर में वो सब कुछ देखने को मिला जिसकी दर्शक उम्मीद लगाए बैठे थे। इस टीजर में रामचरण, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट की झलक देखने को मिली। इस टीजर को देखने के बाद फैंस ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए जबरदस्त रिएक्शंस दे रहे हैं। कई लोगों ने ट्रिपल आर को अभी से ब्लॉकबस्टर बता दिया। 40 सेकंड का ये वीडियो एक्शन से भरपूर है और ये आपको फिल्म देखने के लिए बेकरार कर देगा। फैंस टीजर को देखने के बाद कह रहे हैं कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शॉर्ट टीजर देखने के बाद फैंस इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। वहीं चलिए दिखाते हैं आपको ट्रिपल आर के टीजर को देखने के बाद लोग कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, वॉच्ड ट्रिपल आर टीजर एंड आई मस्ट से व्हाट अ फैबुलस एक्सपीरियंस इट वाज। द टीजर लिटरली गेव मी गूज बम्प्स। लव्ड ईच एंड एवरी फ्रेम। एक्स्ट्रावेगेंट एंड पावरफुल। इट इज नो डाउट एसएस राजामौली सर क्रिएट्स मैजिक। ट्रिपल आर इज गोना ब्रेक ऑल रिकॉर्ड। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इट्स गोना बी एपिक। व्हाट अ पावरफुल टीजर इंक्लूडिंग डायरेक्शन, विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक। आई विश देयर वर मोर ऑफ अजय देवगन्स प्रेजेंस। ही वुड हैव ओवरशैडोड एवरीवन। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, सेकंड 2000 सी मूवी फ्रॉम इंडिया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ट्रिपल आर थिएटर में आग लगा देगी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी होगी अजय सर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बवाल मूवी है बॉस, कांट वेट टू सी यू इन दिस एक्शन। तो देखा आपने, लोगों ने ट्रिपल आर के टीजर को देखकर फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर बता दिया। बता दें कि ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू पर एक काल्पनिक कहानी। 400 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को दुनिया भर में थिएटर्स पर रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी रिलीज हो रही, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया। दोनों ही फिल्मों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। वैसे आपको ट्रिपल आर का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।